स्टूडेंट्स हमने एस पी एस एस में कैसे को रिलेशन कम्प्यूट करते हैं वो थेरेटिकली तो देख ही लिया है अब इस मड्यूल में हम उसकी एक एग्जाम्पल uh, एक्सरसाइज करेंगे लाइव तो आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं एस पी एस एस सॉफ्टवेयर में डियर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एनालाइज में जाएंगे कोरिलेट में आएंगे को रिलेट में से आप बाई वेरिएट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें जैसे मैंने आपको लास्ट मड्यूल में बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट पीयर सेन आर सेलेक्ट हुआ होगा टू टेल टेस्ट सेलेक्ट हुआ होगा और फ्लैग सिग्निफिकेंट को रिलेशन सेलेक्ट हुआ होगा तो हम क्योंकि अभी पीअर सेन आर ही पड़ रहे हैं तो हम इसको चेक ही रहने देंगे अगर आप वन टेल्ड आई करना चाहते हैं टेस्ट तो फिर आप वन टेल्ड करेंगे अगर कोई डायरेक्शन आपने आई में लगाई है तो वो फिर आप वन टेल्ड करेंगे और हम चाहते हैं कि हमें थ्रू स्टार्स सिग्निफिकेंट कोरिलेशंस पता चल जाए तो ये फ्लैग सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स कैसे इंडिकेट होते हैं स्टार्स के थ्रू तो अब हम वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि जो पॉलिटिकल एफिकेसी है उसका रिलेशनशिप क्या है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ तो मैं दोनों वेरिएबल्स को सेलेक्ट करने के बाद दोनों कंपोजिट स्कोर्स हैं कंटिन्यूस लेवल पे इंडेक्सट के थ्रू हमने कंप्यूट किए हुए हैं अब ओके okay करें तो यहाँ पर ये टेबल मेरे पास आ गया है तो यहाँ पर ये पॉलिटिकल एफिकेसी पॉलिटिकल एफिकेसी का रिलेशनशिप वन ही होगा ऑनलाइन और ऑनलाइन का रिलेशनशिप भी एबसोल्यूट ही होगा और ये दोनों रिलेशनशिप्स एक ही हैं ये एक्चुअली ए बी और बी ए हैं तो हमारे पास जो रिलेशनशिप कंप्यूट होके आया है और इस पर टू स्टार्स हैं यानी जैसे ये नीचे बताया भी गया है कि को रिलेशन इज़ सिग्निफिकेंस एट द पॉइंट जीरो वन लेवल टू टेल्ड इट मीन्स दैट कि हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया कि देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एफिकेसी एंड ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अब ये रिलेशनशिप की नेचर क्या है ये पॉजिटिव है अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आता तो इट्स क्वाइट ऑबियस थ्रेटिकली एज वेल कि जो पोलिटिकली एफी केसी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी पोलिटिकल पार्टिसपेशन भी ज़्यादा होगी और ये रिलेशनशिप जो है मॉडरेट टू स्ट्रॉग रिलेशनशिप है यानी इसकी वैल्यू पॉइंट फाइव जीरो से अबव है तो ये हम कह सकते हैं इट्स अ मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स तो अब हम एक और देख लेते हैं कंप्यूट करके दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप हम देखते हैं कि पॉलिटिकल एफिकेसी की बजाय क्या फेसबुक यूजेज का कोई रिलेशनशिप है आपके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ यस yes. यहाँ पर हमें ये नज़र आता है कि फेसबुक यूज़ेज का भी पॉजिटिव और मॉडरेट रिलेशनशिप है ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ मगर फेसबुक यूज़ेज का जो रिलेशनशिप का जो कोफ़िशेंट है वो थोड़ा सा कम है पॉलिटिकल एफिकेसी के आ, के साथ जो हमारा रिलेशनशिप आया है ऑनलाइन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के साथ तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि पॉलिटिकल एफिकेसी के साथ कंपैरेटिवली ज़्यादा रिलेशनशिप है एज कंपेयर टू द फेसबुक यूजेज क्योंकि इसमें हमने किसी को काजअल हाइपोसिस नहीं टेस्ट होता पीयरस एन आर के साथ किसी को ज्यूम नहीं किया इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इसलिए हम किसी को प्रोडिक्टर और आउटकम नहीं मान सकते इस टेस्ट में अब हम तीसरी एक देखते हैं कि अगर फेसबुक इंटेंसिटी और क्या आपके पॉलिटिकल एफिकेसी में भी कोई रिलेशनशिप है तो यस देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन फेसबुक इंटेंसिटी एंड पॉलिटिकल एफिकेसी एज वेल बट इट्स अ अग्निफिकेंट रिलेशनशिप पॉजिटिवली एंड वीकली एसोसिएटेड विद ईच अदर यानी ये वीक रिलेशनशिप है एक आ, इसको हम मॉडरेट या स्ट्रॉग रिलेशनशिप नहीं कह सकते मगर हाइपोथेटिकली इट रिलेशनशिप डज एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इज पॉजिटिव इन नेचर तो ये हमने देख लिया कि हम कैसे एस पी एस एस को यूज़ करते हुए पियर्स एंड आर को रिलेशन कम्प्यूट कर सकते हैं इसकी जो रिपोर्टिंग है वो फिर हम क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस रिपोर्टिंग में देखेंगे